अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़िया मुजाहिद और आज हम निकले हैं कीरथर माउंटेन रेंज पे एक बार फिर। और आज हमारा सफ़र का आगाज़ एक बार फिर से सुपर हाईवे से हो रहा है जो कि M9 मोटरवे। और आज हम जाएंगे कीरथर नेशनल पार्क। घंटे की इस कच्चे रोड की ड्राइव हमारी चल रही है और सफदर भाई बिल्कुल नहीं बता रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सफदर भाई बस कहाँ रास्ता जा रहा है, चलते जा रहे हैं, कौन जाएंगे जा रहे हैं। यार रोड तो नहीं लग रहा है, ये बस एक रास्ता ही लग रहा है। पहाड़ी सिलसिला हमारे साथ साथ है लेकिन पहाड़ की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। माहिरी ने बॉन्साई कीरथर के पहाड़ी सिलसिले के एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर हम मौजूद हैं और लोग भी हैं हमारे साथ। सफदर भाई हाथ मिला दें जरा। आ जाओ भाई, आ जाओ तुम लोग भी। आप लोगों को उनकी मेहनत से हो जाएगा। यहाँ से नहीं आना, ये मट्टी खुदी पत्थर के ऊपर से। सुहेल भाई कैसा लग रहा है? सफदर भाई ने अभी यहाँ पे रेड फॉक्स डिस्कवर की। मिशन अकॉम्प्लिश्ड।
रफ्तार 40 किलोमीटर। कीर्थर नेशनल पार्क से इस वक्त हम 45 किलोमीटर दूर हैं और रास्ता आप देखें कि यही कच्चा रास्ता है। ये रास्ता आ रहा है और ये रास्ता जा रहा है, कोई प्रॉपर रोड यहाँ पर नहीं है। तकरीबन 3.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं ड्राइव करते हुए, 40 की स्पीड से ज़्यादा, 40 की स्पीड से ज़्यादा जो है हमारी रफ्तार नहीं थी और इसी स्पीड से गाड़ी चल सकती है। दफ्तर वही रिफ्यूलिंग के लिए रुके हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, गाड़ी का फ्यूल प्लस अपना फ्यूल दोनों चीज़ें साथ से। इंसानी फितरत है कि पानी देखते ही इंसान अपनी तमाम थकावट भूल जाता है और ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ। पूरे दिन के सफ़र के बाद जब ये कीर्थर की पहाड़ियों के दरमियान हमें एक बरसाती दरिया नज़र आया,
पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पर, मुकम्मल खामोशी, परिंदों की आवाज़। मेरे पीछे घना जंगल है और इसी जंगल के दरमियान से हम रोड के किनारे उतर कर आए। हमें छोटा सा दरिया नजर आया। ये जो सूखी रेत आप देख रहे हैं, ये बरसाती पानी के साथ आई हुई है। बरसात में ये पूरा दरिया जो आगे चलता होगा। सो रिलैक्सिंग। हाँ जी, मगरिब हो चुकी है, 6 बजे से ऊपर का टाइम है और अब हमारा इख्तितामी जो है सफ़र वो जारी है और ये कीरथर के पहाड़ी सिलसिले के इख्तिताम पर मैं मौजूद। थाना बुला खान के करीब का ये इलाका है। थाना बुला खान एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर सुपर हाईवे से कनेक्टेड इसका इंटरचेंज है। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको हमारा ये सफरनामा भी पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।